हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग MUHS के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, आज एक MUHS के लिए सबसे बड़ा, सबसे आज तक का इम्पोर्टेंट अपडेट है। महाराष्ट्र शासन का एक GR निकल चुका है, जिस GR में आपके एग्ज़ाम के बारे में बात हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए और जितना जल्दी हो सके इसे शेयर कीजिए, ठीक है। ये अगर आप डेट देख सकते हो तो आज का ही GR है। विषय COVID-19 या साथी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याबाबत। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड टू आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। सो विषयांकित प्रकरण संदर्भाने 95 आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याबाबतचे वेळापत्रक शासन मान्यतेवर सादर करण्यात आले होते। तो जो भी आपका टाइम टेबल है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सदर प्रस्तावित वेळापत्रकात खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे। तो ये जो टाइम टेबल है उससे परमिशन दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, वो हम लोग कंडीशन देखते हैं। परीक्षा सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी किमान 45 दिवस अगोदर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करावे। सो एग्जाम टाइम टेबल आपका 45 डेज पहले रिलीज हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के पहले 45 डेज आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये डेट का, ठीक है। परीक्षेच्या प्रत्येक पेपर नंतर दर वर्षीप्रमाणे एक दिवसाचे अंतर ठेवावे। मतलब आफ्टर एवरी पेपर एक दिन का गैप रहेगा। मतलब आपके पेपर अल्टरनेट डेज रहेंगे, ठीक है। मंडे को पेपर है तो ट्यूसडे को आपको छुट्टी मिलेगा, फिर वेनसडे को पेपर रहेगा, फिर थर्सडे को आपको छुट्टी मिलेगा। तो ऐसा अल्टरनेट डेज आपका पेपर होगा। थर्ड, शासनाची उपरोक्त अटीसह मान्यता विचारात घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुढील आवश्यक कारवाई करण्यात यावी। तो अभी ये जो सर्क्युलर है या फिर ये जो GR है उसके अकॉर्डिंगली आगे का सब प्रोसीजर किया जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं फिर से बहुत सिंसियरली आपको बोलना चाहूँगा कि भले ही हम लोग कितना भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर लेंगे, लेकिन अभी ये ऑफिशियल GR निकल चुका है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो में बार बार बोलता है कि हम लोग वीडियो कैंसिल करके रहेंगे, सॉरी हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल करके रहेंगे, हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल करके रहेंगे, तो जो बोलता है उसका कुछ नहीं जाने वाला है। वो मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं है और उसको कुछ एग्ज़ाम देना नहीं है। वो उसको अच्छा लगेगा, आपको हो पाएगा और सब। आप सीधा जो माइंडसेट है वो पढ़ाई से निकल के बाहर आ रहा है। तो मेरा काम आप तक ये वीडियो पहुंचाना है। अगर आप अभी भी सोचते हो एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो आप कंटिन्यूसली वो सोचो, या फिर आप ये सोचो कि एग्ज़ाम कैंसिल अभी नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जितने भी आपके पास बुक अवेलेबल है उनमें से पढ़ाई शुरू कर दो। आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दे रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बुक आने लगे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे अभी एनरोल हो चुके हैं। तो मैं पहले से आपको बोल देता हूँ, उस ग्रुप में कोई भी डिस्कशन नहीं होता लाइक एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। उस वीडियो में, वहाँ पे वो जो ग्रुप है वहाँ पे मैं ना खुद अपने कोई वीडियोस पोस्ट करता हूँ, अगर कोई भी ऐसे अपडेट वाला वगैरह वीडियो अगर उसमें पोस्ट करता है तो मैं उसको डायरेक्टली बैन कर देता हूँ वो ग्रुप से। तो कौन से भी टाइप का वहाँ पे एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी नहीं होगा। मेक श्योर वहाँ पे बुक शेयरिंग होगा, तो आपका जो बुक अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लिमिट तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आप आइए वहाँ पे, कनेक्ट होइए, बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी सर्कुलेट कीजिए।